रहा है। ठीक चलो गुड इवनिंग सर। अच्छा ओके ठीक है जानवी शर्मा गुड इवनिंग। 69 नंबर बाबू 69 नंबर लेट से तो आते आप लोग 69 नंबर हो। देखो सी एडिशन में आपको बाबू हमने क्या किया डिनोमिनेटर में वेरिएबल लेके कर रहे थे। म्यूट कर लो बाबू म्यूट कर लीजिए सारे स्टूडेंट बाबू प्लीज म्यूट योरसेल्फ बाबू है ना। हम लोग क्या कर रहे थे सर अभी डिनोमिनेटर में वेरिएबल लेके कर रहे थे ना ठीक है बाबू है ना। तो उसी वेरिएबल में बाबू आपको हमने सिंपल सा करवा दिया है ना बाबू। अब बाबू क्या लेते हैं अब क्या लेते बाबू डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी ले लिया मतलब ऐसा का ले लिया बाबू जैसे 7 बाय बाबू 4x है सर 4x है सर माइनस प्लस बाबू 8 बाय बाबू मान लो 8x है 8 बाय बाबू कितना हो गया सर 12x हो गया। म्यूट कर लो बाबू म्यूट कर लो। अब प्लस बाबू 10 बाय बाबू 16x हो गया 16x हो गया है ना। तो इसका अगर निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे तो कैसे करना 4, 8, 16 का एलसीएम निकालो जल्दी से करो तो बाबू देखो फिर टाइप चेंज करते तुरंत जल्दी से कीजिए 69 नंबर बाबू। जल्दी से करो कौन है प्रखर बाबू म्यूट कर लीजिए ना प्रखर एक तो वीडियो नहीं ऑन करती हो। संजना है सानवी मिश्रा है जानवी दास कहाँ रह गए हमारी प्रिंस है आदित्य आदित्य बाबू वीडियो ऑन कीजिए शैतान सर 48 हाँ बाबू 48 वेरी गुड बाबू। एलसीएम आता बर्निका नहीं आता बाबू बर्निका सर 48 होगा ना 48 आएगा ना स्थान बर्निका एलसीएम आता है कि नहीं सर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है सर कभी कभी क्या बाबू कभी कभी सर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है सर कभी कभी अरे सीता एलसीएम 32/48x आया। अच्छा देखते हैं सही होगा। देखो बाबू एलसीएम क्या है सर 12, 4, 12, 16 का एलसीएम कितना सर 48 हो गया 48 हो गया ठीक सर। अच्छा ठीक है यहाँ एक्स है सर यहाँ एक्स है सर तो यहाँ एक्स दे देंगे ठीक। नेक्स्ट बाबू फोर से बाबू मान लो थोड़ा देर के लिए एक्स भूल जाते तो कितना 12 times बाबू इसको डिवाइड करो तो 12 7 बाबू कितना बाबू कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा 12 × 7 से तान ऐसे बाबू मेरे ऐसे 12 ये हो जाएगा सर 12 सर मल्टीप्लाई 7 बाबू। नेक्स्ट बाबू ये 12 है सर तो 4 आ जाएगा डिवाइड करके अब मल्टीप्लाई कितना सर प्लस बाबू 4 हो गया अब मल्टीप्लाई कितना सर मल्टीप्लाई 8 सर हाँ सर और 3 हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना सर 10 सर 10 है ना ठीक है बाबू। तो मान लो x नहीं रहता बाबू x नहीं रहता तो इस तरह से करते लेकिन यहाँ क्या था बाबू x था तो यहाँ भी हम लोग x दे देंगे। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करो 84 बाबू कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा बाबू प्लस 30 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा अपॉन अपॉन 48x हो गया ठीक। नेक्स्ट बाबू इसको ऐड करो तो ये 2 अब ये 146 बाय 48x हां 146 अपॉन 48x हो जाएगा ठीक ठीक सर राइट डाउन करो बाबू। अब टाइप चेंज करते बाबू नाउ बाबू वी विल बाबू चेंज द टाइप ऑफ बाबू है ना ऐसा का टाइप का भी आएगा सर डिनोमिनेटर में एक्स वाला तो कर लेंगे ठीक है। अब बाबू अब नीचे दो को भरी वाला लेते हैं अन्य आंसर आया सर ठीक है ठीक है जानवी शर्मा अच्छी बात है। अभी कौन कौन नहीं आया बाबू ज्योति से लगता है ज्योति नहीं जल पाएगा खाली नाम का है नाम की वो है ना एक ज्योति हो गई सत्यम तो आया है और कौन नहीं बाबू जानवी दास क्यों नहीं आया दित्री आदित्री बाबू जानवी दास क्यों नहीं आए बनाने दे रहे हैं प्रिंस कहाँ टहल रहे बाबू एक जगह शाम से बैठ के नहीं पढ़ा जाता सही करे एक दिन आएंगे ना तो बहुत इंडिसेस स्टार्ट हो गया तो इंडिसेस पढ़ना था शैतान तो मॉर्निंग वाले बैच में आ जाते 5:30 to 6:30 सर इंडिसेस एक्सपोनेंट्स एंड सर्डस सर्ड्स सर क्या बोल रहे थे जान वो जानवी दास कहाँ रह गई सर मुझे पता नहीं कॉल करके पूछती नहीं 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 रहने दीजिए ठीक है ना क्लास कीजिए क्लास छोड़ना नहीं है ठीक है। अब कंसेप्ट समझो 70 नंबर देखो 70 नंबर क्या कर रहा है बाबू कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है अभी तक जो भी क्वेश्चन ले वो डिनोमिनेटर में क्या था सर सिर्फ वेरिएबल है ना
अगर डिनोमिनेटर में टू टाइप्स वेरिएबल आ जाए बाबू, इफ द बाबू वेरिएबल कंटेन बाबू, इफ द डिनोमिनेटर कंटेन बाबू टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, है ना। मतलब क्या सर, देखो शांति से समझो, इसको समझना हो, इस कंसेप्ट को समझना है ना, इसमें रेंज कर रहे हैं, है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखो क्या है, 70 नंबर क्या है बाबू, 70 नंबर क्या है, 70 नंबर क्या है बाबू, जैसे सर 1/x रहे और प्लस क्या रहे बाबू 1/y रहे, है ना। इसको कैसे आप ऐड परफॉर्म करोगे, इसको इसका एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे, हाउ विल बाबू हाउ विल बाबू परफॉर्म द एडिशन बाबू, दिस टाइप ऑफ बाबू क्वेश्चन, है ना, कैसे हम लोग इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो सिंपली बाबू कैसे करना, इसका बाबू एलसीएम लोगे एक्स वाई, तो दो डिफरेंट वेरिएबल है ना, दो डिफरेंट वेरिएबल है ना, तो उसका एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम कैसे लोगे। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो, अब समझो यहाँ पे समझाते बाबू, कहीं भी अगर इस तरह से रहे 1/2 और प्लस 1/3, अगर इसका आपको एडिशन आता है तो ये कुछ नहीं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखो इसका एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करो, 2/3 का एलसीएम लोगों क्या होगा 6 होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे ना बाबू, एडिशन अगर परफॉर्म करते डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 2/3 का एलसीएम लोगों तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा ना, हाँ सर 6 आएगा, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं। ठीक है, आप शांति से सुनो, जो कहना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करो, ठीक है ना बाबू। 2/3 को बाबू अगर मान लो बाबू यहाँ पे बाबू टोटल के टोटल जो नंबर है बाबू, ठीक है ना, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर में एलसीएम जैसे कहीं एलसीएम लेना रहा बाबू, जैसे सर 2 है सर, 3 है सर, है ना, और 5 है, तो अगर इसका एलसीएम लोगो बाबू, इसका एलसीएम लोगो तो डायरेक्ट इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, इसका एलसीएम लोगो तो 2 × 3 × 5, अगर प्राइम नंबर नीचे बाबू, है ना, दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ठीक है, तो दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बाबू, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, शांति से सुनो ना, जो कह रहा है, तो यहाँ बाबू 2/3 का, यहाँ बाबू 2/3 का, 2/3 का एलसीएम लेंगे तो क्या 6 आएगा, तो 2/3 ले सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो, यहाँ से कंसेप्ट सीखो, देखो अब उसके बाद क्या कहते हैं, ये वाला कंसेप्ट सीख गया तो ये वाला एडिशन आराम से आ जाएगा, है ना। बार बार बोलते हैं बाबू एजुकेशन में आपको डराया गया, ठीक है ना, क्वेश्चन देकर डराया गया, गया स्कूलिंग में तो और कहिए मत, स्कूल में तो और डराया जाता है ना, समझाने का तरीका होता है, सीधे टीचर आएगा इसका ये बताएगा, इसका ऐसे करेगा, यहाँ एक्स बाई हो गया जी, ऊपर बाई हो गया जी, यहाँ एक्स हो गया जी, अनलाइक टर्म है जी, एक्स प्लस बाई बाई अपॉन एक्स बाई, ये आंसर हो गया, है ना। ठीक है, लेकिन इसके पीछे बाबू थोड़ा स्टेप समझो, कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, है ना, इसका आगे हम लोग फिजिक्स में यूज है, फिजिक्स में यूज है ये सब, इसीलिए हम बता रहे हैं ना। तो ये 2/3 का एलसीएम क्या होगा, 2×3, अब बाबू यहाँ 2 मिला ना, यहाँ 2 मिला, यहाँ भी 2 है सर, तो जो यहाँ कॉमन हो जाता है उसको छोड़ दो, तो बच यहाँ 2 है सर, यहाँ 2 है, दोनों जगह दो दो है ना, इसको छोड़ दो। सेट्स कब से स्टार्ट किए हैं सर? सर्स बाबू उसमें तो अब फिनिश होने वाला बाबू, सर्स का 2-3 लेक्चर देख लेना, फिर कर सकते हो, 2-3 लेक्चर हुआ तो उसको देख लो, फिर कर सकते हो, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ बाबू क्या है, 2-2 है बाबू, तो 2-2 उसको छोड़ दो, लिख बाबू इसको छोड़ दो, बचा डिनोमिनेटर में क्या सर 3, तो यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। ठीक सर, नोमिनेटर में क्या बाबू 1 है, तो नोमिनेटर वाले 1 को मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट बाबू प्लस है प्लस 2, यहाँ 3 है सर, यहाँ भी 3 है, तो जो मिल रहा है उसको छोड़ दो, तो बचे क्या क्या बाबू 2, नोमिनेटर में क्या है सर 1 है सर, है ना, तो 3×1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2×1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाई 2×3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम इसका कितना जाएगा, इसको ऐड करोगे कैसे कितना जाएगा 5/6 आएगा, है ना। तो जो स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व है, जो स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व है, वही स्टेप्स हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, सिंपल सा शैतान। अगर मान लो यहाँ सिर्फ एक्स रहता तो इस टाइप का तो क्वेश्चन करवा चुके, डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल वेरिएबल करवा चुके, लेकिन अगर दोनों अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है, तो कैसे करोगे, तो दोनों अलग वेरिएबल है ना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, दो डिफरेंट वेरिएबल है, इसका एलसीएम हो जाएगा सर x/y, जैसे यहाँ कोई दो डिफरेंट था, एलसीएम 2×3 कर दिए, तो उसी तरह बाबू यहाँ जो एलसीएम हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा सर x/y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया सर, 2-2 मिल गया, तो 2-2 जो मिल गया उसको छोड़ दो, बता क्या था 3 बचा था, तो 3 लिखे थे, यहाँ x मिल गया तो बचा क्या बाबू बाई बच गया, यहाँ x ये मैच कर रहा है ना, तो कौन नहीं मैच कर रहा है सर, बाई नहीं मैच कर रहा है, तो बाई यहाँ लिखो न्यूमिनेटर में, जो उसको मल्टीप्लाई कर दो, बाई इंटू 1, यहाँ सर बाई है सर, यहाँ बाई है, तो बचेगा क्या x बचेगा, तो प्लस हो गया, x हो गया बाबू, न्यूमिनेटर में 1 है, मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट बाबू बाई इंटू 1 कितना हो जाएगा सर, बाई हो जाएगा, x/1 कितना होगा x होगा सर, और डिवाइड बाय बाबू कितना हो जाएगा x/y को बाबू डायरेक्ट हम लोग x/y लिख सकते हैं, दो वेरिएबल, शांति से सुनो, दो वेरिएबल के बीच में बाबू मल्टीप्लिकेशन साइन हम लोग जनरली नहीं यूज करते, कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है ना x/z, तो इसके बीच बाबू हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं यूज करते, x×\z ऐसे नहीं लिखते, है ना, भद्दा लगता है ना बाबू, भद्दा लगता है ना, वेरिएबल को बाबू डायरेक्ट अगर ऐसे लिखा मतलब इसको हम लोग क्या समझेंगे, तीन ऑल 3 वेरिएबल्स बाबू आर इन मल्टीप्लिकेशन, आर इन बाबू मल्टीप्लिकेशन, है ना, यहाँ इतना समझ में आया बाबू, तो यही इसका, अब बताओ
ये दोनों लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? ये बाई है बाबू, ये एक्स है, दोनों क्या अनलाइक टर्म है? हाँ बाबू, फर्दर एड होगा, फर्दर एड होगा, फर्दर एड नहीं होगा तो दिस इज योर बाबू आंसर, दिस इज योर आंसर है ना। राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन कीजिए। अच्छा गुड इवनिंग, समझा प्रिंस? प्रिंस बाबू समझे कि ना? यस सर। नहीं समझा तो साइड में ये भी लिख लेना, साइड में ये भी लिख लेना बाबू, साइड में ये भी लिख लेना नोट करके, लिख लेते इसको, इसको नोट करके लिख लेना। आर्यन समझा बाबू? सर आप मेरे घर संडे को आइएगा सर। बाबू ध्यान पढ़ने पे क्यों नहीं देती, इधर उधर क्यों इतना पोषण पुष्टि तो नहीं, मेरे स्कूल में टेस्ट होगा इसी चलते पूछ रहे। तो संडे के बाबू सैटरडे की बात कीजिए ना, संडे वाला बात सैटरडे कल करते हैं। ठीक सर। हाँ बाबू बोलिए देते हैं, हाँ बोलिए देते हैं। मेरे डाउट है, बोलिए ना बाबू। सर वो जो आपने y into 1 लिखा वो हम नहीं लिख सकते x into 1 पहले? नहीं बाबू, पहले x into 1 नहीं, यहाँ y, यहाँ x into 1 नहीं करना बाबू, मतलब गलती गलती नहीं होगा, लेकिन यहाँ x है ना, यहाँ x है ना बाबू, तो x से सर उसको छोड़ दो तो बचेगा क्या सर? y y बचेगा, y बचेगा तो y को मल्टीप्लाई करोगे जो न्यूमरेटर है उससे, न्यूमरेटर है जो उससे, यहाँ पे लिखोगे सही होगा लेकिन मत लिखना वैसा है ना, जो स्टेप है वो स्टेप सीखो, यहाँ एक से, यहाँ एक से, तो इसको छोड़ो तो भाई बच गया, तो भाई वाले के साथ लिखो, समझे बाबू? म्यूट कर लीजिए प्रिंस बाबू, प्रिंस म्यूट कर लो। चलो जल्दी से राइट डाउन कीजिए। आर्यन समझा? आर्यन आर्यन ऊपर ऊपर पार हो गया। आर्यन यस सर, ऊपर ऊपर पार हो गया बाबू, ऐसे ये विद्या सागर के ही बुक से पढ़ाते हैं सर। अरे बाबू हम कहा बार बार ऐसा क्वेश्चन, विद्या सागर तीन ऐसा बुक हम नहीं, बुक नहीं फॉलो करते ठीक है ना, उसका खाली एक्सरसाइज सॉल्व करवाते, बाकी आपको खोजना कहीं नहीं मिलेगा, आपको पलाई बोले बाबू, छह सात बुक का कॉम्बिनेशन है, खाली विद्या सागर नहीं है ठीक है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत किया हुआ है, ऐसे नहीं कि आपको खाली पढ़ा रहे हैं, स्कूल कोचिंग की तरह नहीं बाबू, स्कूल कोचिंग की तरह नहीं कि आधा घंटा लेक्चर दिए चल गए, आप ये अभी कितना दिन आपको हुआ, एक महीना हुआ है? यस सर एक महीना। हाँ शिवांगी देखो छह सात महीना से पढ़े तो उसका परफॉर्मेंस, दो चार महीना बर्दाश्त करो उसके बाद नहीं समझोगे तब ना कहना हमको, नहीं क्वेश्चन बनेगा तब ना, तो एक महीना में क्या होगा बाबू, अभी तो अलजेब्रो नहीं अभी हुआ। चलो ठीक है नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बना के दिखाता है, कौन हमारे सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं? अगर सर यहाँ ऊपर टू आ जाए सर, और नीचे सर एक्स आ जाए, ऊपर सर थ्री आ जाए सर, और नीचे सर बाई आ जाए, है ना, पहले ये वाला करो तो कौन करता है, कौन करता है देखते हैं किसके पास सद्बुद्धि है, अभी कौन नहीं आया है? ज्योति से ज्योति नहीं जल पाएगा, वो समझ गए, वो एक दिन आने वाली है एक दिन नहीं आने वाली है सर, 5xy सुसाइड करवा कर लेना ठीक है ना, सुसाइड कर लेना समझा, ऐड तभी परफॉर्म करना कि बाबू जब लाइक टर्म होगा, हमेशा ऐड कैसे कर दोगे, अनलाइक टर्म को कैसे ऐड करोगे, लाइक टर्म नहीं है। हाँ तो फिर सब कुछ जेल में डलवा देंगे, जाना चक्की पीसना, तीन दिन से पढ़ा रहे हैं, 70 क्वेश्चन हो गया, 71वां क्वेश्चन चल रहा है, कब ऐड करेंगे सर? तो वहां y into 1 क्यों लिखे सर? क्योंकि न्यूमरेटर में वन है इसलिए, न्यूमरेटर में वन है इसलिए न्यूमरेटर वाला से मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर में वन इसलिए हम बाय इसमें वन से मल्टीप्लाई कर। तो आएगा सर, तो इनटू करने से क्या फायदा? अरे आएगा उतना ही शैताना स्टेप, तो समझती नहीं हो, खाली बीच में बकर बकर करती, तो बनाओ ना इसको 71 नंबर, बताओ बनाओ, वो तो हमको भी पता कि आएगा उतना ही सर, नहीं आएगा हम लोग का जो आंसर है ऐसा ही है, मेरा आंसर जो है नहीं सही है, पढ़ लिख के अनपढ़ बताए तो आर्यन बाबू बता दो तो, आर्यन प्रकार बताओ, ठीक है हमारे बताओ बाबू प्रखर बाबू, प्रखर बताइए ना, चलिए समझिए सर, इसको जान 20 सेकंड रुक जाइए सर, 20 सेकंड रुक,
सर बोलो इसका 4x y into x y होगा क्या? 4x y? नहीं बाबू, कह रहे यार दिन खराब चल रहा है आप लोग का। बोलिए बरबरनी का, क्यों हंस रहे हैं बाबू? सर इसका आंसर 2y + 3x y x y। बोलिए बरनी का, बोलिए सर 5x। सत्यम वीडियो ऑन करो शैतान मेरे, देखो सर इसका आंसर आएगा 2y + 3x y x y। ठीक है चलो, ठीक है डिनोमिनेटर में क्या लेना सर? एलसीएम लेना, तो दोनों डिफर है ना बाबू, तो एलसीएम कितना हो जाएगा सर? एक्स इंटू बाई, शांति से देखो, अब लिखना मत, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। यस है, कहाँ गया यस? सत्यम बाबू वीडियो नहीं ऑन कीजिएगा सत्यम। सर एक्स इंटू वाई होगा ना बाबू, एक्स इंटू बाई को हम लोग सिंपली ऐसे अभी ना समझा शैतान, अगर एक्स इंटू बाई है बाबू तो दो टर्म के बीच में बाबू मल्टी वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल है तो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं देते हैं, सिर्फ एक्स बाई मतलब ये क्या सर? दोनों मल्टीप्लाई में, समझे बर्निका? Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है तो ये दोनों का लो, लो, लिख देते, अभी सीख लो, अभी सीख लो, अभी लिख देते, एक्स गुना कितना हो जाएगा सर? बाई हो जाएगा। ठीक ठीक बाबू, अब यहाँ एक्स है सर, यहाँ एक्स है, तो बच कौन गया बाबू? जो नहीं मिलेगा उसी को लिखना शैतान। यहाँ एक्स है ना सर, यहाँ तो एक्स है सर, तो एक्स एक्स है बाबू, इसको डिवाइड करोगे तो एक्स एक्स अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सोचो जो यहाँ से मेल कर रहा है उसको नहीं लिखना, कहाँ नहीं लिखना, यहाँ मत लिखना, जो बचेगा उसी को लिखना। तो यहाँ एक्स एक्स मिल गया तो ये नहीं ना मिल रहा बाबू, ये नहीं ना मिला, इसके इसके डिनोमिनेटर में सर कहीं बाई है सर? नहीं है, तो जो नहीं है उसी, ठीक है ना, जो नहीं है उसी को लिखना। तो यहाँ बाई है सर तो बाई लिख दिए, नोमिनेटर में क्या है सर? टू है, तो बाई से दो बाई मल्टीप्लिकेशन टू किए। नेक्स्ट बाबू यहाँ सर बाई है यहाँ पर बाई है सर, यहाँ भी बाई है, यहाँ बाई, यहाँ बाई, यहाँ डिनोमिनेटर में बाई सर, इसके डिनोमिनेटर में बाई, तो यहाँ यहाँ क्या नहीं है सर? एक्स नहीं, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में एक्स नहीं ना, लेकिन यहाँ पे एक्स है ना बाबू, तो जो नहीं है वही लिखना, एक्स बाबू इंटू थ्री है ना। ठीक है सर, टू बाई इंटू टू को मल्टीप्लाई करो बाबू, टू इंटू बाई को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना भैरी? शांति से सुनो, यहाँ पे बार बार बोलते हैं शांति से सुनो, सुनता नहीं है सब, शांति से सुनता है। बाई इंटू टू है बाबू, तो कॉन्स्टेंट है वेरिएबल जब भी रहेगा ना, जैसे कॉन्स्टेंट है सर अब वेरिएबल है, तो बाई फोर नहीं लिखते हैं, बाई मल्टीप्लीकेशन फोर नहीं लिखते, इसको कैसे लिखते हैं? फोर बाई लिखते हैं, एगो वेरिएबल है वो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को हमेशा वेरिएबल के आगे लिखेंगे, कॉन्स्टेंट को हमेशा कहाँ लिखेंगे? वेरिएबल के आगे लिखेंगे, है ना। ये तरीका है, ये सिस्टम बनाया गया मैथमेटिशियन ने, ऊपर सिस्टम बनाया कैसे लिखे अपने मन से। आप बाई सेवन ऐसे मत करो, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, अगर बाई सेवन मल्टीप्लाई बाबू तो इसको कैसे लिखोगे? सेवन को आगे लिखो, तो सेवन मल्टीप्लाई बाई करो, तो बाबू अब ये कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन सिंबल नहीं देते हैं, सीधे क्या लिखेंगे? सेवन इंटू बाई लिखेंगे, इसको आप लोग क्या समझोगे? सात के साथ बाई क्या? मल्टीप्लीकेशन में, सेवन के साथ बाई क्या? मल्टीप्लीकेशन में। तो बाई इंटू टू क्या हो गया? टू बाई, एक्स इंटू थ्री कितना हो जाएगा? थ्री एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एक्स बाई हो जाएगा। सर मेरा सही है सर, राइट डाउन करो बाबू, समझा आर्यन की नहीं समझा बाबू? आर्यन सर मेरा सही है। आप आदित्य बोलिए बाबू। सर मेरा भी यही आंसर आया, तो वो जो आपने लास्ट में लिखा है डिनोमिनेटर से एक्स प्लस वाई, अरे नहीं सॉरी 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 बाबू, यहाँ एक्स इंटू बाई क्या हो जाएगा? एक्स बाई हो जाएगा, एक्स बाई लिखेंगे सर। हाँ एक्स बाई लिखेंगे, एक्स बाई लिखेंगे। हाँ बाबू चलिए धीरे धीरे बाबू, समझा प्रिंस? यस सर। हाँ तो आके पूछेंगे, आर्यन समझा बाबू? आर्यन ठीक है सर। यस सर। आ बर्निका समझी? भाग गई। यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 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 कीजिए, नेक्स्ट कीजिए सर, पांच पीस वाला बनाने। अच्छा ठीक है, और प्लस मिल गया तो एडिशन हो गया, तो अलजेब्रा का एडिशन हो गया, बस खत्म हो गया। 72 नंबर बाबू, 72 नंबर। सत्यम समझा? सत्यम ये तो शैतान है ये सत्यम। हाँ तो बना के दिखाओ, तो अज्ञा बनेगा तो धोते हैं अभी, इसको बना के दिखाओ जल्दी। 72 नंबर, 10 बाई बाबू, 10 बाई अभी बच्चा वाला लेते हैं, मान लो जेड है सर, और 5 बाई बाबू एक्स है सर, है ना, अरे ऐसे ऐसे सीक्वेंस लगा आप, एक्स है सर, यहाँ सर बाई है सर, और यहाँ बाबू कितना है सर? यहाँ बाबू एक और ऐसा क्या भी दे देते हैं, एक और क्या देंगे बाबू? एक और देंगे तो आप लोग डर जाओगे,
पहले इसी को करो तो रिवार्ड देंगे तो डर जा। अच्छा एक वाला करो, इवला करो, इवला पहले करो, उसके बाद रिवार्ड देते हैं। जेड सब देंगे, सब देंगे। ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू करो इसको। सर आंसर बताओ सर, बताओ बोलिए। वेरी गुड, बोलिए बर्निका। बर्निका हाँ बोले बोलिए। सत्यम सत्यम बाबू, टेन वाई प्लस फाइव एक्स बाई एक्स। हाँ बाबू बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसका आंसर टेन वाई प्लस फाइव एक्स बाय एक्स वाई होगा। हाँ बाबू यही होगा मेरे आदित्य। नहीं समझ में आता प्रखर, ये प्रखर ठीक है। यस यस बोल कहाँ से रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको हम खोज रहे हैं अब कैसे आते हैं। यस है नहीं बोल रहा है, फिर भी सर है तो सर हम वीडियो भी ऑन। यस तो है सर। हाँ बाबू है, बाबू है, बाबू चलो ठीक है। ठीक है जानवी दास निनाई है और कौन है, ज्योति। ज्योति से लगता है ज्योति नहीं जल पाएगा बाबू, नाम के अनुसार काम नहीं है उसका, है ना। और यस से लगता है यस हो पाएगा। यस मतलब क्या होता है जानते हो? यस यस सर हाँ क्या होता बताइए। यस यस मतलब जानते हो क्या होता बाबू? ख्याति, प्रतिष्ठा। हमको लगता नहीं कि आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाओगे। क्यों बाबू? देखते हैं एक देखते हैं तीन चार महीने परफॉर्मेंस इंक्रीज करोगे तो ना। देखो शैतान ये एक्स बाय बाबू तो एलसीएम कितना हो जाएगा सर? एक्स इंटू बाई सर, यहाँ एक्स है सर, यहाँ एक्स है, हाई कौन नहीं सर, बाई नहीं है तो बाई लिख देंगे सर। न्यूमरेटर में टेन है सर, टेन मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट बाबू बाई है सर, बाई है, क्या नहीं है, एक्स नहीं है सर, न्यूमरेटर में फाइव मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट बाबू टेन इंटू बाई कितना हो जाएगा सर? टेन बाई हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा। ठीक तो दिस इज योर आंसर बाबू। दो चार क्वेश्चन का बनाने के लिए देते तो उसके बाद इसी में टाइप चेंज करना है ना। सेम टू सेम यही आंसर आया। हाँ सेम टू सेम आया तो नहीं आएगा तो फिर बाबू कैसे करोगे? बच्चा वाला चीज सिखा रहे हैं, ये भी अगर नहीं सीखोगे बाबू तो सुसाइड करने का नो बताएगा ना। 73 नंबर बाबू, इसको बना के लाना है, डी आई बाई बाबू, दो चार को फटाक से बना के लाना है और उसके बाद अगला टाइप बताएंगे इसमें, है ना। अभी डिनोमिनेटर में वेरिएबल चला, इसमें बहुत सारे टाइप आ जाएंगे। थ्री बाई बाबू पी है, पी है बाबू प्लस फोर बाई कितना सर? क्यू है। 74 नंबर बाबू, 50 बाई बाबू टू पी है सर, और बाबू 60 बाई बाबू टू क्यू मान लो, 61 इसको कर लो सर, यानी तो आप लोग काट दोगे फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे सर ये तो कटता है। 75 नंबर बाबू, 75 बाई बाबू अपॉन थ्री फोर कर दो, फोर ए है सर और प्लस बाबू ये 17 बाई बाबू फोर बी है। ठीक सर, ये डी आई बाई है सर। हाँ दिस इज दिस वन इज द बाबू डी आई बाई, इसको करके लाना उसके बाद टाइप चेंज करते हैं। ठीक 75 सर, 76 सारा डी आई बाई बन भी गया सर। अच्छी बात है। राइट डाउन करो ए आर्यन, समझ में आता है बाबू की रो रहा है, रो कह रहे हो आर्यन? सर मैं नहीं रो रहा। नहीं रो रहे हो बाबू, चलो अच्छी बात। हमारी सर बी दी, दिस वन इज द बाबू बी फोर बी। प्रखर क्यों रो रही बाबू बताओ ना, क्या दुख हो गया बाबू मेरे? ए प्रखर नहीं बोलोगी? नहीं। इतना बना के लाना, इतना बना के लाना। नेक्स्ट बाबू इतना उतारो, इसको बना के लाना। ए प्रखर क्यों रो रही बाबू? नहीं रो रही हूँ सर। तो समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर, बना भी रही हूँ।
सर ये 76 नंबर सर बनाना है सर अभी नहीं सैतानी बना के लाना अब दूसरा टाइप बता रहे टाइप चेंज वाला ऊपर वाला सर अरे नहीं मेरे बाबू बाप पैसा वसूल करके पढ़ते हजार रुपए की जगह 4000 इसका फीस कर देंगे ये चारों का चारों बना के लाना है ठीक सर जो ज्यादा पूछेगा उसका फीस बढ़ा देंगे पूछते रहो हमारी सानवी देखो तो कर हाँ बोलिए बाबू अदित्री दास बोलिए डाउट रहेगा तो पूछेंगे नहीं सर 17/7 उसके बाद क्या लिखे हैं 7 के साइड में 76 में ये आर है अदित्री ये आर है समझे एबीसीडी में आ रहा था ना वही आर है समझी बाबू क्या लिखे हैं सर यस सर चलो अच्छी बात ठीक है इरेज कर रहे हैं शैतान अब दूसरा टाइप अब दूसरा टाइप अब अभी दुइये बोलिए ना अब तीन गो लेते हैं तीन गो लेते हैं तीन गो लेते हैं खत्म होगा सर बाबू जब तक पूरा टाइप खत्म नहीं होगा थकना नहीं है देखो हम उस तरह से कहते हैं ना बाबू थकना नहीं है इसके बाद आप किसी भी बुक से बनाओ कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए आपका क्लास अप टू 9-10 तक यूज होगा एग्जांपल क्यों देते हैं सर 80-90 तक दे देते हैं एग्जांपल एक इक्वेशन बाबू एडिशन में 100 प्लस जाता बाबू 1/x सर 1/y सर 1/z आप देखो यहां सर ये कितना क्वेश्चन लिखवाएगा सर अरे क्वेश्चन का सब तो हम ही ने सोल्व करवा रहे हैं बाबू जितना टाइप आता बाबू सारे बता ये सब बाबू देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना बाबू यूज होगा जब बड़का बड़का क्वेश्चन ठीक है सर ये बनाने दीजिए सर 1/2 लिखे है कहां भैया यार ये वो जेड है बाबू 1/z है शैतान मेरे ठीक है बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन सर 1x 1y 1z सर अच्छा ठीक है शांति से अच्छा ठीक है बाबू जब बड़ा बड़ा जब फिजिक्स पढ़ाएंगे मैथ में आगे पढ़ाएंगे तो ये सब वहां पे कंसेप्ट आएगा वहां पे आएगा तो वहां पे हम बताने थोड़ी जा रहे हैं कैसे अप्रोच करोगे जे इसीलिए बाबू हम सब सिलेबस को लेके आपको एक जगह बता सर इसका आंसर आएगा YZ + XZ + YX / XYZ हाँ चलो ठीक नेक्स्ट बाबू देखो इसको कैसे अप्रोच करो बाबू अप्रोच कैसे करोगे देखिये बाबू प्रिंस बाबू आर्यन बाबू सत्याम वीडियो ऑन करो सत्याम वीडियो कहीं बंद कर लेता था मूड तो खराब कर देता है बताओ सत्यम इसका एलसीएम कितना होगा बताओ तो सत्यम बाबू एलसीएम कितना होगा बताइए सर एक्स वाई जेड अरे पर काहे बीच में बोलती हो जाने सर एक्स वाई जेड कितना बोल देते एक्स मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई जेड है ना तो तीनों वेरिएबल है ना बाबू तीनों वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पे बाबू मल्टीप्लिकेशन दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते फिलहाल अभी दे रहे हैं आपको समझाने के लिए है ना ये जेड होगी ठीक अब यहाँ से मैच करो इसके डिनोमिनेटर में एक्स है या इसके डिनोमिनेटर में एक्स है इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं बाई जेड नहीं है यहाँ पे बाई जेड है सर इसमें बाई जेड नहीं है तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे सर बाई जेड लिखेंगे ठीक सर वो जो रहेगा बाबू उसको मल्टीप्लाई कर देना वन से मल्टीप्लाई कर देना नेक्स्ट बाबू यहाँ बाई सर यहाँ बाई सर इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है सर एक्स जेड नहीं है यहाँ एक्स जेड है यहाँ एक्स जेड है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स जेड करेंगे वन है बाबू डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देना ठीक नेक्स्ट यहाँ जेड सर यहाँ जेड सर तो क्या नहीं है इसका डिनोमिनेटर एक्स वाई नहीं है तो यहाँ पे क्या कर दोगे एक्स वाई कर दोगे ठीक ठीक सर फर्स्ट में सब क्या लिखे 77 के सर नीचे वाले में ठीक है इनटू वन नहीं लिख रहा क्या बाबू सर क्या लिखे सर ये अरे बहुत बढ़िया ये बाई है ये बाई है ठीक है ये बाई जेड हो गया बाबू बाई जेड इंटू वन किसी भी वेरिएबल नंबर बाबू वन से मल्टीप्लाई करोगे ना जैसे 100 सर 100 मल्टीप्लाई वन क्या आएगा 100 आएगा एक्स मल्टीप्लाई वन शांति से सुनो एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स आएगा सर एक्स बाई जेड मल्टीप्लाई वन करेंगे कितना आ जाएगा बाबू एक्स बाई जेड आ जाएगा है ना किसी भी बाबू वेरिएबल बाबू या नंबर बाबू वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वही ऑब्टेंड होगा है ना वही ऑब्टेंड होगा ठीक है सर तो एक्स बाई बाबू वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बाई जेड हो जाएगा बाबू ये कितना हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा सर और ये एक्स बाई हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बाबू एक्स बाई जेड हो जाएगा उसके बाद देखो ये लाइक टर्म है सर यहाँ बाई जेड है सर यहाँ एक्स जेड है सर यहाँ एक्स बाई तीनों अनलाइक टर्म है तो छोड़ दो यहीं पे छोड़ दो इसको राइट डाउन करो बाबू ए प्रिंस वीडियो क्यों बंद कर लिया प्रिंस इसको धुन सही कर धुनेंगे एकदम अब ऐसे ना सुनेगा हम समझ गए इसको कहा वन अरे बाबू तो वन को बाबू मल्टीप्लाई करेंगे बाई जेड के साथ बाबू तो बाई जेड आएगा ना बाबू
सुन भी नहीं करती है बर्नी का लगता है। किसी भी नंबर को बाबू वन से मल्टीप्लाई करोगा तो मेरा वही नंबर ऑब्टेंड होता है। सर तो लिख दिया सर तो फिर कट कर शैतान वन यहाँ से न्यूमिनेटर में वन था इसलिए लिख दिया बाबू समझाने के लिए लिखे हैं ठीक है ना। समझा सत्याम सर क्वेश्चन नंबर 77 जल्दी से दे दीजिए सर 78 अच्छा ठीक है 78 करो करो तो सत्यम बाबू करो तो 78 नंबर चाय चाय मत करना जानवी सर बहुत चाय चाय करती है। 3 by बाबू 1 सर 4 by बाबू 22 सर और बाबू 5 by बाबू जेड करो इसको करिए सत्यम बाबू और सबका चेक करते हैं। ये सब अपने फ्रेंड से पूछना आधा फ्रेंड नहीं बताएगा। सत्यम आधा का पूरा ही गोल क्या बाबू सर आधा क्या नहीं बताया बताओ सर बोलिए बोलिए शर्मा जी बोलिए सर इसका आंसर आएगा 3 by z plus 4xz plus 5xy by xyz। बहुत चाइन चाइन करते इसका पैसे पे बढ़ा देंगे तो अपने छोड़ के भाग जाएगी ठीक है ठीक है इसका बढ़ा देंगे पैसा वसूल करके पढ़ती बोलती है इतना ना सबको परेशान कर देती है थोड़ा धीरे से बोलेगा माइक को दूर रखिए ना। अदित्रि प्रखर नहीं समझ में आता हाँ बोलिए संजना बोलिए बाबू संजना by z plus 4zx plus 5xy xyz ठीक है बाबू वेरी गुड बाबू। सानवी बताओ बताओ शर्मा ओम शर्मा इतना ही आया बाबू ओम शर्मा यस सर इतना ही आया सर मैं बोल रहा वेरी गुड बाबू तब मैं बोलिए दी जानवी शर्मा सर xyz 3 plus xyz ठीक है जाना सर 3 by z plus 4xz plus 5yz by xyz शैतान 5 गलती है 5 के साथ x y आएगा ना बाबू 5 के साथ x y आएगा ना z थोड़ी आएगा सर लिखने में मिस्टेक हो गया बोलिए देते मेरा आंसर आया 3yz plus 4xz plus 5xy by xyz सही है मेरे हाँ बाबू सही है बहुत अच्छा बाबू बन गया यस बाबू यस बना सर मेरा आंसर आया है 3 into yz plus 4 into xz plus 5 into xy by xyz ठीक है यस बना बाबू यस काहे यस नहीं बना बाबू सर नाइस सर बताइए जना काहे यस बताओ बाबू ये तो कैसे आप अपना नाम रख सब बता ले बता दे बाबू प्रिंस बना बाबू प्रिंस बाबू यस सर सत्यम बना यस सर चलिए ठीक है देखो हिंदी पढ़ाते हैं सर अरे सब पढ़ा देंगे पहले ये सब इतना तो कमांड करो देखो बाबू क्या करोगे यहाँ एक्स बाई जेड है बाबू तो एलसीएम कितना हो जाएंगे सर एक्स बाई जेड हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई जेड ठीक ठीक सर ठीक है बाबू अब देखो संतोष सदा यहाँ एक्स में है सर यहाँ एक्स है तो इसका डिनोमिनेटर में क्या नहीं बाबू बाई नहीं ना बाई जेड नहीं ना बाबू तो बाई जेड ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या सर डिनोमिनेटर में 3 है सर तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना नेक्स्ट बाबू प्लस बाबू